अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज अभी 24 दिसंबर की शाम है और ये आप देख सकते हैं चकवाल में जो चर्च वाक़ है, किस तरह इसको सजाया गया है। अभी हम अंदर जाएंगे और गपशप लगाएंगे, लेकिन ये आपको एक मैसेज है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से कि हम आपस में पाकिस्तानी जो हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से तलक रखते हो, बहुत सुकून और बहुत एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, ये चर्च के अंदर के मनाज़र हैं और बाद में जो बातचीत होगी वो आप देखेंगे कि किस तरह है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है। 10 बजे यहाँ पे फंक्शन जो है इनका स्टार्ट होगा और अभी ये आप देख सकते हैं किस तरह सजाया गया है। बाकी अंदर जो है वो मैं बातचीत नहीं करूँगा, आप लोग खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए हम सब इकट्ठे हैं। दुआ में याद रखिएगा, आपका अपना दोस्त अहम उस्मान आमिर। सुलह सलामती और खुशी का त्यौहार है और हम दुआगो हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इंसानों के लिए खुदा इस त्यौहार को बिलखसूस, चूँकि कोरोना की सूरत हाल है, तो खुदा अमन मोहब्बत सुलह सलामती और बहाली का वसीला बनाए। हमें मैरी क्रिसमस टू ऑल। और बाकी चकवाल के हवाले से आप लोगों को रिस्पॉन्स जो दूसरी कम्यूनिटीज़ का सही बनता है जी? बुनियादी तौर पर हम ठीक है, अमन में रहने कोई ऐसा इशू या प्रॉब्लम ऐस सच नहीं है। ठीक है। और पूर्व पाकिस्तान में और स्पेशली हम चकवाल के वाले से बात जी शोर ठीक है। थैंक यू।